गाइस, आप लोगों के माइंड में कभी ये क्वेश्चन आया है कि भाई जिन कुर्सियों के ऊपर हम बैठते हैं आखिर उन कुर्सियों को बनाया कैसे जाता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी प्लास्टिक की चीजें होती हैं तो उन्हें किन मशीनों के द्वारा बनाया जाता होगा, और गाइस जिन पीवीसी पाइप्स को हम अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं इसकी बनावट को लेके आप लोगों के दिमाग में कभी न कभी ये सवाल तो जरूर आया ही होगा, आखिर इन पीवीसी पाइप्स को किन मशीनों के द्वारा बनाया जाता होगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी मशीन्स के बारे में बताऊंगा जिन मशीन्स से बनने वाली चीजों को तो आप डेली देखते होंगे लेकिन उन प्रोडक्ट्स को बनते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, जिसमें सबसे पहली मशीन है फैन मेकिंग मशीन। गाइस ये फैंस तो सभी के घरों में होते ही है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा कि भाई आखिर इन फैंस को मशीनों के द्वारा कैसे बनाया जाता होगा। तो गाइस सबसे पहले फैन बनाने की शुरुआत होती है ब्लेड फैब्रिकेशन सेटअप से, जहां पर फैंस में यूज होने वाले ब्लेड्स को कट किया जाता है और फिर उसके बाद इस स्टील शील्ड को एक साइड से बेंड किया जाता है, जिसके बाद फैन में यूज होने वाला ब्लेड ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका होता है। बस इसमें पॉलिश और ड्रिलिंग का ही काम बाकी रह जाता है, जिसे आगे के स्टेप्स में कंप्लीट किया जाता है, जहां पर सबसे पहले इन ब्लेड्स के ऊपर ड्रिलिंग का काम किया जाता है और इस ब्लेड के ऊपर एक और छोटी सी स्टील प्लेट को लगा दिया जाता है, जिसकी मदद से इस ब्लेड को पंखे की मोटर में लगाया जाता है। यहां तक ये ब्लेड पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होता है, बस इसमें बाकी रह जाता है तो इस ब्लेड के ऊपर पेंट करना, जो कि नेक्स्ट स्टेप में इसे भी पूरा कर दिया जाता है। और फिर इसके बाद काम शुरू होता है एक फैन की मोटर के ऊपर, जिसमें सबसे पहले इस एल्यूमिनियम के बने हुए रोटर में प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते हैं और फिर इसके बाद इस रोटर के ऊपर ऑटोमेटिक मशीन से कॉपर की वाइंडिंग की जाती है, जिसमें ये मशीन अपना काम इतनी ज्यादा तेजी से करती है कि कुछ ही मिनट्स में इस मशीन के द्वारा रोटर के ऊपर वाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है। और फिर ये काम कंप्लीट होने के बाद इन सभी मोटर्स को हाई क्वालिटी वर्नेस के अंदर डाल दिया जाता है और फिर इसके बाद फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स की मदद से इन मोटर्स की इलेक्ट्रिक वायरिंग, सोल्डरिंग, शाफ्ट प्रेसिंग, ग्राइंडिंग और फिर इसके बाद एंटी रस्ट कोटिंग की जाती है, जिसके बाद ये मोटर बनके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। और फिर इसके बाद इस मोटर के ऊपर एल्यूमिनियम के पॉलिश किए हुए इस कैप को लगा दिया जाता है, जिसके बाद इस कैपेसिटर को लगाकर इस फैन को टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है और फिर टेस्टिंग के बाद इसे पैक करके रख दिया जाता है, जिसके बाद ये फैन मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। अब गाइस नेक्स्ट है प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। गाइस हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में प्लास्टिक की चीजें तो बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कुर्सी, मग्गे और प्लास्टिक के कुछ इस तरह के डिब्बे भी हम अपनी डेली लाइफ में इन सभी चीजों का यूज करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों के माइंड में कभी ये क्वेश्चन आया कि भाई आखिर इन चीजों को मशीनों के द्वारा बनाया कैसे जाता है? तो गाइस इन प्लास्टिक की चीजों को बनाने के लिए कुछ इस तरह की मशीनों का यूज किया जाता है। तो गाइस इस मशीन के द्वारा किसी भी चीज को बनाने के लिए प्लास्टिक के इन दानों का यूज किया जाता है, जिन्हें पीपी पैलेट्स या एबीएस प्लास्टिक पैलेट्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसे इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये दाना पिघलकर एक पेस्ट की तरह बन जाता है और फिर मशीन के अंदर अलग अलग आकार के मॉल्ट होते हैं, जिसके अंदर इस प्लास्टिक को पैक कर दिया जाता है और ये प्लास्टिक उस मॉल्ट का आकार ले लेती है। इसके बाद आप इस प्लास्टिक से किसी भी तरह की चीज बना सकते हैं, चाहे आप बेड बनाना चाहें, मग बनाना चाहें या फिर आप कुर्सी बनाना चाहें, जो चाहें आप इस प्लास्टिक से बना सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर टैंक मेकिंग मशीन। गाइस हम सभी लोगों के छतों पर जो वाटर टैंक रखे होते हैं उन सभी वाटर टैंक को इन मशीनों के द्वारा ही बनाया जाता है, जो कि नॉर्मली देखने पर ये मशीन कुछ इस तरह की लगती है, लेकिन जब इसकी डोर को ओपन किया जाता है तो इस मशीन के अंदर चार मॉल्ट होते हैं, यानी कि इस मशीन से एक बार में चार टैंक को बनाया जा सकता है। तो एक टैंक बनाने के लिए सबसे पहले मॉल्ट की डोर को ओपन किया जाता है और फिर इस मॉल्ट के अंदर LLDPE पाउडर को डाल दिया जाता है, जिसके बाद इस मॉल्ट के ढक्कन को लॉक कर दिया जाता है और फिर इसी तरह से इन चारों मॉल्ट को LLDPE पाउडर से भर लिया जाता है, जिसके बाद इन चारों मॉल्ट को अच्छे से बंद करके इन्हें कुछ इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट कर दिया जाता है, जिससे कि इन मॉल्ट के अंदर पड़ा हुआ पाउडर मॉल्ट की चारों तरफ दीवारों से अच्छे से चिपक सके और फिर इसके बाद इस मशीन की डोर को बंद कर दिया जाता है और फिर फाइनली इन मॉल्ट को हीट करना स्टार्ट कर दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को अच्छे से मॉनिटर किया जाता है और फिर उसके बाद जब इस मशीन की डोर को ओपन किया जाता है तो इन मॉल्ट्स को कुछ इस तरह से ठंडा किया जाता है,
और फिर मॉल्ट के ढक्कन को खोलने के बाद इसके अंदर से वाटर टैंक को कुछ इस तरह से बाहर निकाल लिया जाता है। इस मशीन से एक बार में 4 वाटर टैंक को बनाया जा सकता है, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख ही सकते हैं। नेक्स्ट है पीवीसी पाइप मेकिंग मशीन। गाइस, इस पीवीसी पाइप को बनाने के लिए पीवीसी रेसिंग पाउडर को कई खास तरह के पाउडर्स के साथ मिक्स करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया जाता है और फिर इसके बाद पाइप को कोई खास कलर देने के लिए उस कलर को इस पेस्ट के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके बाद इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है और फिर इसके बाद जब इस मिक्सचर को मशीन से बाहर निकाला जाता है तो इसे अच्छे से सुखा लिया जाता है और फिर इसके बाद इसे पीवीसी पाइप मेकिंग मशीन में डालकर इसे गर्म करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन इसे एक गोल शेप देना शुरू कर देती है और फिर जैसे जैसे ये पाइप बाहर आता जाता है वैसे ही इस पाइप को ठंडा करने के लिए इसके ऊपर पानी भी डाला जाता है, जिससे कि ये पाइप ठंडा रहे और ये फिर से मेल्ट ना हो जाए। जिसके बाद पाइप का नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद इसे परफेक्ट गोल शेप दिया जाता है और फिर उसके बाद इसे फाइनली पैक करने का काम शुरू कर दिया जाता है, जिसके बाद ये पाइप मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है डिनर सेट मेकिंग मशीन। गाइस, आप सभी लोगों ने मार्केट में बहुत सारे खूबसूरत डिनर सेट देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इन डिनर सेट्स को कैसे बनाया जाता होगा? तो गाइस, इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले सिरेमिक पाउडर को लिया जाता है और फिर इस पाउडर को बर्तन के वजन के हिसाब से तोला जाता है, जिसके बाद इस पाउडर को हाइड्रोलिक मशीन के नीचे प्लेट की तरह बने सांचे में डाल दिया जाता है और फिर उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस मशीन से इसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, जिसके बाद जब ये मशीन ऊपर उठती है तो ये पाउडर पूरी तरह से एक प्लेट का शेप ले चुका होता है और फिर उसके बाद इन प्लेटों के ऊपर खूबसूरत डिजाइन देने के लिए इन प्लेटों के ऊपर एक ग्लू चिपका दिया जाता है और फिर इन प्लेटों के ऊपर एक डिजाइनदार पेपर रख दिया जाता है, जिसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस से इन प्लेटों के ऊपर एक बार फिर से प्रेशर लगाया जाता है, जिसके बाद फाइनली ये प्लेटें बनकर तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है पीवीसी बॉल मेकिंग मशीन। गाइस, इन पीवीसी बॉल्स को तो आपने मेलों में तो जरूर देखा ही होगा, जिन्हें खरीदने के लिए बच्चे सबसे ज्यादा जिद करते हैं। इन बॉल्स को बनाने के लिए सबसे पहले पीवीसी रेसिंग पाउडर और कई तरह के पाउडर्स को मिक्स करके इन्हें तेजी से घुमाकर अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है, जिसे निकालने के बाद इसे गर्म पानी के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये बॉल बहुत ही ज्यादा हीट के कारण एक गोल शेप ले लेती है। ये बॉल हवा डालने से पहले तो एक छोटी सी बॉल होती है, लेकिन जब इसके अंदर हवा डाली जाती है तो इस बॉल का साइज बढ़कर कुछ इतना हो जाता है और फिर इसके छेद को गर्म प्लास्टिक के साथ बंद कर दिया जाता है। इसी तरह से बहुत सारी पीवीसी बॉल्स को बनाकर मार्केट में बेचा जाता है। वैसे गाइस, आपको इन सभी मशीन्स में से सबसे ज्यादा बेस्ट मशीन किस चीज को बनाने वाली लगी और क्या आपने इस तरह की प्लास्टिक की चीजों को कभी अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा है? अगर देखा है तो वही मुझे भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।